पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। ज़ोडक कंपैटिबिलिटी के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस कंपैटिबिलिटी का हमने ज़िक्र करना है उसमें टॉरस मेल और लियो फीमेल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। टॉरस जिनका एलिमेंट जो है वो अर्थ बनता है और लियो फीमेल इसका एलिमेंट बनता है फायर। एस्ट्रोलॉजी के कुलिये कायदे और एस्ट्रोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये एक ऐसी कंपैटिबिलिटी है कि जिसके अंदर इन दोनों का दूर दूर तक मवाजना करना या एक बेहतर कंपैटिबिलिटी तसव्वुर किए जाना इसको नहीं माना जाता। क्योंकि टॉरस मेल की अगर बात की जाए तो टॉरस मेल अपने अंदर खूबसूरती भी रखता है और प्यार मोहब्बत के मामलात में इसको अगर देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन पाया गया है। फिर अपनी ख्वाहिशात के अतबार से अपने असूलों के मुताबिक भी ये बड़ा बेहतरीन पाया जाता है और इसकी कोशिश होती है कि हमेशा ये दूसरों के काम आए, दूसरों की खदमत करे और अपने से बढ़कर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करे। लेकिन अगर कभी ज़िद में आ जाए तो फिर ये ज़िद दूर करना कि जब तक आप इनको तंग नहीं करेंगे ये खामोशी से तहमुल मिजाजी से अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अगर इन पे रोब डालें इनको वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद इनका जो गुस्सा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि एक ही दफ़ा आता है फिर हो जाता नहीं। और दूसरी जानब अगर लियो फीमेल की बात की जाए तो लियो फीमेल इसको भी हम ये कहेंगे कि ये मोहब्बत का एक बुर्ज है कि इसको अपनी तारीफ सुनना पसंद है, इसको अपने बारे में अच्छे अल्फाज सुनना पसंद है और ये कभी भी नहीं चाहती कि इनसे बढ़ के कोई हो, जो अथॉरिटी है, जो कमांडिंग अथॉरिटी है वो इनके कंट्रोल में रहे। ये कंपैटिबिलिटी उस वक्त अच्छी हो सकती है कि अगर लियो फीमेल अपनी छोटी छोटी चीज़ों की खातिर, जो लियो टॉरस मेल हैं ख़ास तौर पे, इन पे अगर गुस्सा करेंगी, चीखेंगी, चलाएंगी या शोहर बनने की कोशिश करेंगी तो एक तवील अरसे तक ये ताल्लुक़ चलता तो रहेगा लेकिन उसमें हमेशा दूरी रहेगी। और जहाँ तक बात है टॉरस मेल की तो टॉरस मेल जो है ये अपनी धुन में रहता है, ये कभी कभी तारीफ़ करने में कंजूसी कर देता है। तो अगर टॉरस मेल लियो फीमेल की तारीफ़ रोज़ो शब करता रहे तो ये एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज़ किसी भी अतबार से ये कंपैटिबिलिटी को इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी से ताल्लुक़ है, प्यार है, मोहब्बत है, एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजारना चाह रहे हैं तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके अपने ताल्लुक़ रिलेशन, निकाह का बेहतर वक्त उसका तायुन करवा के रिश्ते का अगर आगाज़ करें तो उसके अंदर इन चीज़ों को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।